हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक ठाक होंगे भाई। सभी नौजवानों को जय हिंद, राम राम जी, जय हिंद। सभी नौजवानों को जय हिंद। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आर्मी जीडी के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन नौजवानों का एग्जाम 25 अप्रैल, 28 मार्च और 30 मई का है, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अब मेरे दोस्तों, हम रोजाना आपके एग्जाम तक मॉडल टेस्ट पेपर पूरे 50 प्रश्नों के ब्रह्मास्त्र क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ससुरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, पेपर की धजिया उड़ानी है। इतनी शानदार आपको तैयारी करना है। देखते हैं मेरे दोस्त, अब की बार कैसे फौजी नहीं बनते हैं आप। वर्दी आपको पहना कर छोड़ेंगे, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं मेरे दोस्त। आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के टोटल जैसा फौज के अंदर पेपर आता है वैसा का वैसा ही मेरे दोस्ती ये पेपर है। 50 प्रश्नों का मेरे दोस्ती ये टेस्ट पेपर होगा। 40 प्लस का जिस नौजवान ने राइट जवाब दिया, साइड में नोट कर लेना, देश का सोल्जर, देश का नौजवान आप बन चुके हो। इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन हो चुका है। जोश, जनून, एनर्जी के साथ आपको एग्जाम तक पढ़ाई करना है। एक बार सभी को शेयर कीजिए भाई, जितने भी नौजवान है सभी को शेयर कीजिए भाई, दबा के लाइक कीजिए। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम जी। ए देश तूने शेर के बच्चे पाले हैं, ए देश तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल तेरा बलिदान हुआ तो 100 लाल तेरे रखवाले हैं। इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर की। एक बार सभी नौजवानों को दिल की अटल गहराइयों से आपका स्वागत, अभिनंदन। जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को, एक बार लाइक कीजिए। और कल सुबह 7 बजे मेरे दोस्ती यूट्यूब पे हम 5-10 मिनट की क्लास लेकर आएंगे। उस एक क्लास से आपके 2 नंबर 101% तैयार हो जाएंगे, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। उसके बाद 49 क्वेश्चनों की आपको तैयारी करना है। 101% उस 5-10 मिनट की क्लास से आपका आर यू श्योर एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसलिए कल सुबह 7 बजे मेरे दोस्ती मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ आपको मेरे दोस्ती आना है कल सुबह 7 बजे, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के बेहतरीन सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्ती। जीके जीएस के क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। जो अपने गोरखा बटालियन के सोल्जर है उनको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ ईरान? थिम्पू, काबुल, तेहरान, पेरिस। गोली से भी तेज आंसर आना चाहिए। और इन आखिरी दिनों के अंदर मेरे दोस्ती ओमार शीट है, ये आपसे निवेदन है, ओमार शीट साथ में लेकर बैठे और उसमें प्रैक्टिस करे, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं तेहरान, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्त। सभी नौजवान नोट करेंगे, भूटान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है थिम्पू, क्लियर है। अफगानिस्तान की मेरे दोस्त राजधानी है, यह है काबुल। और फ्रांस देश की राजधानी है मेरे दोस्ती पेरिस। फ्रांस है, यह सीन नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम आराम से मेरे दोस्ती मॉडल टेस्ट पेपर को हम सोल्व करेंगे। बस आपको ईमानदारी से इस टेस्ट को लगाना है और अपनी तैयारी को परखना है, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है, वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर पहली बार पहुंचा था, ये आपको बताना है। कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कालीकट, ये बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका डी, जो नौजवान बता रहे कालीकट, वो बिल्कुल राइट बता रहे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पांडिचेरी, दीपू, माहे, नन ऑफ दीज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट होगा भाई, नोट कर लेना, आप सभी को पता होगा पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश किस जगह दिया गया था, ये बताना है मेरे दोस्ती।
किस जगह पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था? गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, ननोबदीज। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश, शाबाश, ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे सोरनाथ सारनाथ, वो बिल्कुल राइट बता रहे। अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है। नेक्स्ट है मैकदूत के रचयिता थे, इज द राइटर ऑफ मैकदूत, तुलसीदास, सुदर्शन, कालिदास, ननोबदीज। मैकदूत के रचयिता आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। कालिदास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। रामचरितमानस के लेखक है ये तुलसीदास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय वर्ष सूची किस पर आधारित है? द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? विक्रम एरा, क्रिश्चियन एरा, हिजरी एरा, शक एरा, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और सभी नौजवानों को कमेंट करना है कि अब आपका डेली 50 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र मॉडल टेस्ट पेपर ले या नहीं, ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए या मॉडल टेस्ट पेपर ले। मॉडल टेस्ट पेपर से आपको बेनिफिट होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और मॉडल टेस्ट पेपर से ही आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न है ये उठाए जाएंगे, ये भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त शक एरा, ऑप्शन इसका डी राइट होगा, क्लियर है। 78 ईस्वी से आरंभ होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्त संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फुटबॉल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं फुटबॉल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध है ये मेरे दोस्त क्रिकेट से है। रंगास्वामी कप और मेरे दोस्ती अजलान शाह कप, क्लियर है, अजलान शाह कप इसका संबंध है ये मेरे दोस्ती हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है ये आपको बताना है, 5, 6, 8, 7, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, 7 महाद्वीप है। अगर हम बात करें कि महासागर कितने हैं, तो मेरे दोस्त महासागर है 5, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव, कितने प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी के? 1, 2, 3, 4, ये बताए मेरे दोस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, 1, मून, चंद्रमा, क्लियर है, यह है भाई पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है यह आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। लोहे का मुड़ना, बर्फ का पानी में बदलना, लोहे पर जंग लगना, उपर्युक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है भैया, केमिकल चेंज, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नौजवान भाई सेशन में नए जुड़ रहे हैं, सेशन को लाइक करते जाइए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासे प्रोवाइड कराएं। और कल सुबह 7 बजे भी आपको लाइव आना है, 2 नंबर आपके मात्र 5 या 10 मिनट में मेरे दोस्ती तैयार कर देंगे, ऐसा माइंड के अंदर फिट कर देंगे, ससुरा जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल, अवतल, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स करना है ऊपर वाले को, नीचे वाला है कॉनकेव। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, अवतल इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। अवतल को अपन ऐसे लिख सकते हैं भैया, ठीक है, और उत्तल को है ऐसे लिखते हैं, अंदर की तरफ घुमावदार आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त प्रजनन है ये कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3, 4, प्रजनन कितने प्रकार का होता है भैया, सभी सोल्जर बताएंगे इसका राइट आंसर, बिल्कुल। प्रजनन है ये 2 प्रकार का होता है। आप कहोगे गुरुजी 2 प्रकार कौन से होते हैं, तो भैया लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एचआईवी क्या है? जीवाणु संक्रमण, विषाणु, वायरस संक्रमण या मेरे दोस्ती फंगल संक्रमण, ये बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल विषाणु संक्रमण वायरस के द्वारा होता है एचआईवी। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है निम्न यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बताएं मेरे दोस्त। जीरो प्लेस ए विट्रॉल इन द वर्किंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, रेडियो, कंप्यूटर, घड़ी, अबेक्स। जीरो की महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाई जाती है? बिल्कुल कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है समताप मंडल, माध्यमिक क्षेत्र, क्षोभ मंडल, नन ऑफ दीज, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती, जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर हिंदी में ना देकर आपको इंग्लिश में भी दे सकते हैं ट्रोपोस्फीयर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, नन ऑफ दीज। वसा में घुलनशील विटामिन बताएंगे सभी नौजवान। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है मेरे दोस्त? ए डी ई के। क्लियर है? तो आपको ऑप्शन यहां पर सी में दे रखा है डी, जो कि बिल्कुल राइट है। और जल में मिले विटामिन कौन से हैं? बी और सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्य पार्ट किसका बना होता है? सिलिकॉन, कार्बन, माइका, लीड, ये बताएं मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्य पट किसका बना होता है? माइका, मिका इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? और कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज, 8, 16, 2, 4। परमाणु की दूसरी कक्षा में आपको बताना है। 8 होते हैं भैया, ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा यौगिक नहीं है? हवा, दूध, पानी, पीतल, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती, कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है भैया पीतल, इसका राइट आंसर होगा। पीतल है, यह मिश्रण है भैया। किसका है रे भैया? Cu प्लस Zn का मिश्रण है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है ध्वनि सबसे तेज चलती है, ये बताना है। जल में, इस्पात में, वायु में, नन ऑफ दीज। ध्वनि सबसे तेज चलती है इस्पात, स्टील। क्लियर है? ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है समीकरण में अक्ष का मान क्या होगा? समीकरण आपको दे रखा है, इसको रीड कीजिए और बताइए इसमें अक्ष का मान क्या होगा। 2NaCl इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। फौज के पेपर का धुआं धुआं करोगे या नहीं। नेक्स्ट है H2SO4 का आणविक भार क्या है? 40, 60, 42, 98। H2SO4 का आणविक भार आपको बताना है भैया। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, 98 इसका राइट आंसर होगा। आज आपको भैया SW के लिए नहीं मिला, अभी देते हैं। निम्न में से कौन सा ना ही तत्व है और ना ही मिश्रण है, ये बताना है। और यही आपको HW के लिए हम प्रोवाइड करा देते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एंड एलिमेंट नॉट ए कंपाउंड, हवा, ग्लूकोज, सोना, पानी। बिल्कुल जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, बस अपना माइंड लगाना है, ना ही तत्व है और ना ही मिश्रण है। कमेंट बॉक्स में बताना है सभी ट्रेड वालों को। नेक्स्ट है हेक्सेन का सूत्र बताइए, C2H5OH, CH4, C6H10, C6H14, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा भैया, ऑप्शन इसका डी राइट होगा, नोट कर लेना हेक्सेन का सूत्र। क्लियर है?
एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है, मीथेन का CH4 होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है, यह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947। भारतीय संविधान है यह कब लागू हुआ? बिल्कुल 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मैराडोना कौन से देश की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? मैराडोना इज फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ विच कंट्री? इटली, स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना? ये बताएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैराडोना है ये कौन से देश की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैराडोना का संबंध किस खेल से है, तब आपको फुटबॉल करके आना है। और यह मेरे दोस्त अर्जेंटीना की खिलाड़ी है, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? वोल्गा, थेम्स, सीन, नानूब, दीज। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सीन नदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान किस शहर में स्थित है? ये बताएं मेरे दोस्त, नेशनल बोटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, नन ऑफ दीज। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। बिल्कुल लखनऊ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? मेघालय, केरल, मिजोरम, गोवा। और हिंदुस्तान के भैया जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, सेशन को लाइक कीजिए, जितना अच्छा लाइक करोगे उतने ही आपको धमाकेदार क्लास से मेरे दोस्त मिल पाएगी। दोनों लैंग्वेज में आपको मेरे दोस्त हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऊपर वाले का वास्ता मेरे दोस्त, रात की 1 बजे से पहले कभी नहीं सोते हैं और आपको भी नहीं सोना है, क्योंकि ये वक्त जो आपको मिला है ये वापस नहीं आएगा। बार बार बहुत सारे नौजवान कॉल करते हैं कि सर हम मेरिट में रह गए, अब एवरेज हो गई तो अब क्या करें, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। इसलिए रात और दिन मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, यही आपकी पहली और आखिरी भर्ती है। अगर इसके अंदर मेरे दोस्त आप भर्ती हो गए, सिलेक्शन हो गया, तो 7 पीढ़ियां मेरे दोस्ती, 7 पीढ़ियों की जिंदगी है ये सवर जाएगी, बन जाएगी, अपने माता पिता की जिंदगी बन जाएगी। इसलिए जनून के साथ पढ़ना है, जज्बे के साथ पढ़ना है। हम आपको मेरे दोस्त क्वालिटी के साथ कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, बस आप उसे नॉन स्टॉप पढ़ते जाइए। कल की जो मॉर्निंग में क्लास होगी वो क्लास भी आपके 2 नंबर पक्के करके जाएगी, ठीक है, 2 नंबर पक्के। और जो नौजवान दिन भर में इस क्लास को देखेंगे, रोजाना मेरे दोस्त आपको लाइव आना है, इसी टाइम आना है, हमारी 7:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है, क्लियर है? सभी नौजवानों को आना है, क्योंकि रोजाना 50 प्रश्नों का हम मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे, आपके एग्जाम का मेरे दोस्त धुआं धुआं करना है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये बताएं 1960, 1962, 1965, 1972। ये बताएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1972 इसका राइट आंसर होगा। और भाई जो नौजवान बेसिक से बोर्ड पे कंप्लीट तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए मेरे दोस्त आर्मी स्टडी एप्लीकेशन है, जहां पर 18 मार्च से बेंच 25 अप्रैल और 30 मई का चल रहा है, तो वो क्लासे भी आपको मिल जाएगी। जिसको ऐसा लगता है कि हमें 0 से बिल्कुल अच्छी तैयारी करना है ताकि सिलेक्शन में दिक्कत ना हो, अभी हमारे पास टाइम है, या जिनकी अभी रैली नहीं है, आगे आने वाली है अगस्त सितंबर में, तो वो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर अपना एडमिशन करवाइए, धमाकेदार वहां पे क्लासे है वो चल रही है। वहां पर जो हम कल टॉपिक आपको करवाएंगे मेरे दोस्ती, वो एप्लीकेशन के अंदर बोर्ड पे कंप्लीट हो गया है, उसी टॉपिक का हम मेरे दोस्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे यूट्यूब पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सुबह 7 बजे यूट्यूब पे आना है और अपने 2 नंबर पक्के करके जाना है, फिर आपको मात्र 49 क्वेश्चनों की तैयारी को रखना है, क्लियर है? देखिए मेरे दोस्ती, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 नवंबर। बिल्कुल 14 नवंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नानोबदीज। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
बिल्कुल बहुत बढ़िया, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब मेरे दोस्तों हम मैथ्स और रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है? और जिन नौजवानों का 28 मार्च को एग्जाम है, जो एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, कल सुबह मेरे दोस्तों आपको हम 500 वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ है वो एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, 500 क्वेश्चनों की है, इसलिए मेरे दोस्त वो ज्यादा एमबी की होगी, इसलिए डाउनलोड होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। ऐसा नहीं हम अपलोड करते ही आप बार बार कॉल करोगे कि सर डाउनलोड नहीं हो रही है, ज्यादा एमबी की है, 5-7 मिनट उसे डाउनलोड होने में लगेंगे आपके डाटा के अकॉर्डिंग, इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर डाटा है वो अच्छा रहता है, क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न कोण का मान है ये कितना होता है रे भैया? बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे, 90 डिग्री से कम, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, यदि दो भुजाओं का अनुपात 1:3 है, उनका योग 240 है, तो पहली भुजा से कितनी अधिक होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी नौजवान रफ कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, दो भुजाओं का अनुपात है, ये आपको 1:3 दे रखा है, इन भुजाओं का जो योग है ये आपको 240 दे रखा है, तो इनका भी आपको योग करना होगा, 3×1=4 होगा, 4 अक्ष बराबर हो गए आपके 240, तो अक्ष बराबर कितना होगा? 4 का भाग लगेगा, अक्ष की जो वैल्यू है वो आएगी 60। पहली भुजा से मल्टीपल कराइए, 60×1 होगा 60, दूसरी भुजा से मल्टीपल कराइए, 60×3 कितना होगा? 6×3=18, 180 होगा। आपको बताना है पहली भुजा से कितनी अधिक है, 180 से मेरे दोस्तों 60 है, ये माइनस कीजिए भैया, कितना बचेगा? 0, 8 में से 6, 2 और 1, 120 अधिक है मेरे दोस्तों। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, रे भैया एक्स स्क्वायर बराबर आपको 368 दे रखा है, एक्स की वैल्यू आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 19 होगा मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, 19 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका एक ई और लिखिए मेरे दोस्त, 19 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा ये रूट लगेगा, तो ये किसकी वैल्यू होती है बाहर आएगा, तो ये 19 की होती है, 19 का वर्ग होता है भैया, ठीक है, 361, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? याद कर लेना इस क्वेश्चन को, तो मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे अधिकतर नौजवानों को याद भी होगा। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है, 2πr बराबर आपको 88 मीटर दे रखा है, 2×22/7×r आपको निकालना है, 88 मीटर आपको दे रखा है, क्लियर है? आर बराबर क्या होगा? 88×7 ऊपर चला जाएगा, 22×2=44 होता है, 44×2 कितना होगा? 88×7=14, तो आर बराबर जो त्रिज्या है ये आपके पास 14 आएगी, ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्त राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, a+b+c का होल स्क्वायर 2 का सूत्र आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, इसका राइट आंसर होगा a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फौज का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए 10 मोमबत्ती का मेरे दोस्त जो क्रय मूल्य है ये 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान रखना, जो सामने बराबर वाला है वही क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य 8 होगा, विक्रय मूल्य है यह 10 होगा, क्लियर है? क्रय मूल्य है ये होगा 8 और विक्रय मूल्य है ये होगा मेरे दोस्ती 10। अब क्वेश्चन है वो कैसा बना है कि 8 रुपए में कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, उसे 10 रुपए में बेचता है, तो बताइए लाभ होगा हानि होगा? आप कहोगे सर लाभ होगा, कैसे होगा, 8 में खरीदोगे 10 में बेचोगे, कितने का लाभ होगा? 2 रुपए का होगा, क्लियर है?
लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा कर रहे मूल्य पे निकलता है। कर रहे मूल्य आपको 8 दे रखा है, प्रतिशत निकालना है। 100 से मल्टीपल कीजिए, 2 से 8 चार बार कटेगा, 4 से 100 है ये 25 बार कटेगा, 25% का उसे लाभ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 25,000 रुपए हो, क्रय मूल्य 25,000 रुपए हो तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्रय मूल्य आपको 25,000 रुपए दे रखा है, आपको 25% लाभ पर विक्रय मूल्य बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, HW के लिए आपको दिया जाएगा ये। आप मेरे दोस्ती विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बट्टा 100 आपको करना है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मेरे दोस्ती, पॉइंट 01 में आपको कितना जोड़ा जाए, यह मेरे दोस्ती 1.1 हो जाए। मेरे दोस्ती ध्यान रखना, कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, 0.01 के अंदर मेरे दोस्त आप इन सबको काउंट कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.1 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा भाई, जोड़ के देख लेना, जोड़ना आपको ही पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है 0.2 × 0.1 को सरल करो, मल्टीपल करना है, जोड़ गुणा भाग वाले क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं सरलीकरण के मेरे दोस्ती। ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, ये आपको बताना है। सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, क्लियर है। देखते हैं कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं या नहीं। वैसे आपको बोर्ड पे सरलीकरण का टॉपिक है ये करवाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 600 रुपए हो जाएगी, आपको समय बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है भैया, ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर, क्लियर है। यहां पर 600 रुपए हो जाएगी, मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ब्याज। 600 में से 500 आप निकालोगे तो आपके पास ब्याज आएगा 100 × 100 बट्टा मूलधन आपको 500 दे रखा है, दर आपको 5% दे रखा है। दो बिंदी से दो बिंदी कटेगा, 5 से 100 है यह 20 बार कटेगा, 5 से 20 है यह 4 बार कटेगा। यह क्वेश्चन डायरेक्ट भी मेरे दोस्त पूछा जा सकता है, 4 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, 2, 3, 4 का लेसेप आपको बताना है, लेसेप एलसीएम आपको बताना है, ऐसे आपको निकालना है। 2 × 1 = 2, 3 में जाएगा नहीं, 2 × 2 = 4, फिर वापस 2 का लगाना है, 3 में जाएगा नहीं, 2 × 1 = 2, फिर 3 का लगाना है, जब तक नीचे 1-1 नहीं बचता है भाग लगाते जाना है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो लेसेप है ये 12 आएगा, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी को पूरा करें। 5 क्वेश्चन अब हम मेरे दोस्ती रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। देखिए मेरे दोस्ती, 8, 3 - 2 आगे क्या आएगा, आप देख सकते हैं 5, 5 की यहां पर मेरे दोस्त कमी हो रही है, -2 से आप 5 माइनस करोगे तो -7 बचेगा, ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, डॉटर को इसने लिखा है, यहां पर यू करना है, सॉरी UADGHRET कहा जाता है, तो टीचर को क्या कहा जाएगा। देखिए मेरे दोस्ती, DA सबसे पहले आपको इस प्रकार ऐसे लिखना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का जो पर्सन होता है उसका आंसर पर्सन के अंदर ही होता है, UGHTER, क्लियर है। फिर आपको कहा है कि लिखा जाता है UADGHRET, क्लियर है। देखिए मेरे दोस्त, इसको यू ने पहले यहां लिखा है, फिर ए को सीधा लिखा है, फिर डी को ऐसे लिखा है, जी को सीधा लिखा है, एच को सीधा लिखा है, टी को फिर वापस उसी अकॉर्डिंग लिखा है ऐसे, तो आपको ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त टीचर को लिखना है, TEACHER, टीचर को वैसे ही लिखना है। पहले इसको यहां पर लिखना है ए, इसको सीधा लिखना है मेरे दोस्त ई, फिर इसको यहां पर लिखना है,
फिर सी को सी की जगह, एच को एच की जगह लिखना है, फिर आर को यहां पे लिखना है, फिर ई को ऐसे लिखना है। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर होगा ए ई टी सी एच आर ई। किस ऑप्शन के अंदर है मेरे दोस्त? ए ई टी सी एच आर ई, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है तथा पुनः घड़ी के चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में होगा? देखिए मेरे दोस्ती, यह होता है आपका उत्तर, यह होता है दक्षिण, यह होता है पूर्व और यह होता है पश्चिम। क्लियर है? व्यक्ति है वो मेरे दोस्ती दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी चलने की विपरीत दिशा, घड़ी है ये इस दिशा में चलती है लेकिन यह विपरीत दिशा, इस दिशा के अंदर 135 डिग्री घूमता है। यहां तक मेरे दोस्त होता है कितना होता है भैया? 90 होता है और यहां पे 45 होता है, 90 45 135 होते हैं, 135 डिग्री। उसके बाद पुनः है घड़ी की वापस चलने की दिशा, इस दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो मेरे दोस्त यह 45 हो गया, ये 90 135 हो गया, 135 और यह 45, यहां पर 180 डिग्री होगा। तो बताइए उस व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में है? तो यह दिशा कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्त राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में एक लड़के का बाएं से सातवां स्थान व दाएं से दाहिने से चौदहवां स्थान है, तो बताइए इस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? मेरे दोस्ती बायां प्लस दायां, ध्यान रखना बायां प्लस दायां माइनस आपको एक करना है। क्लियर है? 7 + 14 - 1 करोगे तो 21 माइनस एक करोगे तो 21 माइनस एक करोगे तो 20 आपके पास राइट आंसर आएगा, इसको नोट कर लेना। क्लियर है? ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए टी बराबर आपको 60 लिख रखा है, बी ए टी बराबर 40, तो आर ए टी बराबर क्या होगा? सी कितने पे आता है? देखिए सी ए टी, सी आता है 3 पे, ए 1 पे, बी आता है, टी आता है 20 पे, इनको मल्टीपल किया है मेरे दोस्ती 60 आता है। देखिए उसी प्रकार बी ए टी, बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, इनको मेरे दोस्ती मल्टीपल करोगे कितना होगा? 40। तो उसी प्रकार आपको बताना है आर ए टी को क्या लिखा जाएगा? आर 18 पे, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, 18 × 2 = 36, 360 इसका राइट आंसर आएगा। अब हिंदुस्तान के सभी नौजवान बताएंगे आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। सभी नौजवानों के 40+ राइट होना चाहिए और कल मॉर्निंग के अंदर 7 बजे आपकी एक यूट्यूब पे क्लास होगी जहां से 2 नंबर कन्फर्म होंगे। सभी नौजवान जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार दबा के सेशन को लाइक कीजिए और फिर भारत माता का जयकारा लगाएंगे जोश और जनून के साथ, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग टुडे 7 AM, जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद।